परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है, मकान देखता है। दिस इज एन्ना मुराटा सिस्टम एंड उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह होने वाली है, सुबह हो चुकी है, फजर का वक्त है, फजर की अजानें हो रही हैं। नई उम्मीद नई सुबह लेकर आ रही है, एक नया उजाला छाने वाला है, एक नया उजाला होने वाला है। मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, देश से परदेश से, अंदर के बाहर के, किसी भी ताल्लुक, किसी भी फिरके से ताल्लुक हो आपका, किसी भी जगह से ताल्लुक हो आपका, हैं तो सब इंसान ही, सब एक ही तरह सांस लेते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। हम सबका एक ही मोटो होता है सुबह उठकर, आज हमें क्या करना है, आज हमें कैसे करना है, आज क्या होगा, आज का दिन कैसे गुजरेगा, आज के दिन क्या होगा। जिंदगी 4 दिन की है, 2 दिन तुम्हारे हक में होंगे और 2 तुम्हारे मुखालिफ होंगे। जब तुम्हारे हक में हों तो तकब्बुर मत करना, और जब तुम्हारे मुखालिफ हों तो सब्र शुक्र करना। यही ज़िंदगी का बेहतर उसूल है। हमारी ज़िंदगी की अनथक मेहनत, जस्तजू और लगन किसी ना किसी ख़ास मकसद के लिए होती है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। हम में से हर एक का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। हम हर काम किसी मकसद के तहत करते हैं, जिसमें हमारा मफाद होता है, जिसमें हमें अपना मफाद नज़र आता है। और अनथक मेहनत के बाद, जस्तजू के बाद, लगन के बाद अगर वो चीज़ हासिल ना हो तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें और निखरना चाहिए और तैयार होना चाहिए अगले मरहले के लिए, अगले सफ़र के लिए। क्योंकि सफ़र तब तक जारी रहेगा जब तक सांस चलती रहेगी, और जब तक सांस चलती रहेगी जस्तजू का ये अमल जारी और सारी रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की मिठाई इसी की कुछ कड़ी थी। मैंने भी एक पौधा लगाया, एक पौधा बोया, एक बीज बोया, एक पौधे को पानी डाला, उस पौधे का नाम रखा YouTube, और उस YouTube के पौधे को मैंने यहाँ तक पहुँचाया अनथक मेहनत, लगन और जस्तजू के साथ। और जब ये पौधा जो है मेरे अकॉर्डिंग हो गया तैयार होने को, अभी तो तैयार होने में वक्त भी लगेगा, और भी वक्त लगेगा, लेकिन अब जब पौधा बो दिया, बीज बो दिया, सींच दिया, अब इसके बड़े होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसमें भी बड़ी मेहनत है, जस्तजू है, लगन है, लेकिन मैं खुशी खुशी करूँगी क्योंकि मैंने एक पड़ाव पार कर लिया शायद, और उस एक पड़ाव में मैंने अपना बहुत कुछ खोया, मगर मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ पाया भी। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, उनके अलग अलग रंग देखने को मिले, उनके रंगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, उसके सबक से कुछ आगे बढ़ने का हौसला मिला। जब आगे बढ़ी तो कुछ और लोग मिले, फिर उनसे सीखा, और अब सीखने का ये अमल जारी और सारी है। आपको जितने लोग भी आपके ज़िंदगी के सफ़र में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका टकराव हो रहा है, आप उनसे मुसलसल सीख रहे हैं, और ये सीखने का अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आप सीखना चाहेंगे। मगर एक वक्त पे कुछ लोगों का ये अमल रुक जाता है, जब उनमें आ जाती है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो ये नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, वो ये नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। उस दिन आपकी मौत हो जाती है, जब आप
मैं शुरू करते हैं तो आपकी मौत का सफर शुरू हो जाता है, आप खत्म होने लगते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप खत्म हो जाते हैं। ये वीडियो मैं इतना ही छोड़े जा रही हूँ आपके लिए। मुझे उम्मीद है आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगी आगे के सफ़र के लिए, और आप भी तैयार होंगे मुश्किलात को झेलने के लिए, मुश्किलात के साथ जीने के लिए। कभी भी मुश्किलात को देखकर, मुश्किल लोगों को देखकर ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ क्यों, मैं क्यों, मेरे ही साथ क्यों। आप ही तो निखरेंगे उससे, आप ही तो पॉलिश होंगे, आप ही तो हैं वो जो ग्रूम होंगे। तो आप ही क्यों, इसको पॉजिटिव वे में अगर सोचें तो आप ही तो बेस्ट पर्सन निकल कर आएंगे, उभर कर आएंगे। सो आज ही जीने की नई उमंगें, नई उम्मीदें और नई कामयाबियों के लिए अपने आप को तैयार करें। मुश्किल लोगों से टकराएं, मुश्किल चीज़ों से टकराएं और निखरते जाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना सपोर्ट देने के लिए। और फाइनली YouTube ने मुझे मोनेटाइज कर दिया है, एंड ये सेलिब्रेशन, ये पहली कामयाबी मेरी आप सबके नाम। जितने भी मेरे देश परदेश के सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के नाम ये कामयाबी। और ये कामयाबी का छोटा सा सफ़र है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, आप लोगों के लिए शायद छोटा सा होगा। ये इतना आसान नहीं था जितना आपको देखने में लगे शायद, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल, और मैंने इसको बखूबी सरंजाम तक पहुंचाया। सो इसमें आप सब भी शामिल रहे। और एक ज़ात है जो जिसको कुदरत कहते हैं, और वो कुदरत, उसने मुझे कामयाब किया और आप लोगों का साथ दिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई मुश्किलात के सफ़र के साथ और कामयाबी को दिखाएंगे कि वहाँ तक पहुँचा जा सकता है।